मित्रों बार बार मिलने वाली हार को ध्यान से समझना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखें उसके अंदर ही जीत का राज भी छुपा होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एल नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एल नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद हम एल नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एल नाम वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं ये लोग। हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना पसंद करते हैं। पराक्रमी और साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उच्च आचरण वाले होते हैं। परंतु अगर इनसे आपका झगड़ा या बहस हो गई तो ये फिर अपनी बात पर अडिग रहते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी ही समाप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव वाले लोग होते हैं और इन पर अगर कोई कभी कोई उपकार कर दे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना इनकी प्रवृत्ति होती है, हमेशा खुद के प्रति सचेत रहते हैं और दूसरे की परवाह किए बगैर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, घर परिवार की परवाह बहुत करते हैं। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं, खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बेहद पसंद करते हैं और प्रत्येक कार्य को भी सफाई से ही करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है और अक्सर ये उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता और जिद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य से कोई न कोई छोटी मोटी खटपट इनकी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। और प्रेम के मामले में जो ये लोग होते हैं बहुत ही सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है, काफ़ी ईमानदार होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। कम ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम भी सच्चा होता है। जिस तरह के होते हैं एल नाम वाले, चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कि एल नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। तो सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। तो अगर हम धन की बात करें एल नाम वाले लोगों की, तो धन के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। मई और जून दोनों महीने अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
धन के लिए बेहतर समय है और आय के लिए भी बेहतर समय है। यल नाम वाले लोगों को धन और आय दोनों मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और धन और आय के मामले में तो बेहतर परिणाम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। तो खर्चों पर बजट बनाकर चलें, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो धन और आय के मामले में यल नाम वाले लोगों को बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए यल नाम वाले लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा समय है। आपकी नौकरी है तो बहुत बढ़िया समय है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप देखेंगे यल नाम वाले लोगों के लिए नौकरी में बहुत बेहतर समय रहेगा। आपके सहयोगियों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में सारे कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे और व्यापार कारोबार हो या नौकरी हो बेहतर कर पाएंगे। खासकर नौकरी में तो बहुत अच्छा समय है। और व्यापार कारोबार में अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, या आपका कोई भूमि से जुड़ा हुआ कारोबार है, या भूमि के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, माइंस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और लोहे से जुड़ा हुआ कार्य भी आपको काफ़ी फायदा इस समय देगा। और इसके अलावा कोई भी व्यापार कारोबार नौकरी यल नाम वाले लोगों के लिए मई और जून बेहतर दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में आप थोड़ा सा संयमित रहें, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा। आप में थोड़ा सा तनाव देखा जा सकता है, इस कारण आप थोड़ा वाणी पर संयम रखें। तनाव के चलते कोई ऐसी बातें ना करें जो परिवार के सदस्यों को कोई बातें उनके दिल को ठेस पहुँचा दें और आपके परिवार में तालमेल खराब हो। तो थोड़ा सा अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तो पारिवारिक जीवन भी मई और जून के महीने में आपका अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहा है। मई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासकर 7 जून तक का ऐसा समय है। और 7 जून से 24 जून तक का जो समय है, अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो वहाँ पर बढ़ सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो ध्यान रखकर चलना है। कुल मिलाकर देखें तो मई और जून के महीने में स्वास्थ्य का तो ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दवाइयां नियमित समय पर लें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। और अगर वैसे भी कोई स्वास्थ्य समस्या अगर आपको मई और जून के महीने में होती है तो वहां पर आप कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, वरना छोटी छोटी समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो शिक्षा के मामले में जून का महीना काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर 15 जून से 30 जून तक का ऐसा समय होगा जब आप अपनी शिक्षा पर बहुत ध्यान देंगे और अपने शिक्षा के मामले में कार्य करेंगे। बाकी समय अच्छा रहेगा, लेकिन 15 मई से 15 जून का समय ऐसा है जहाँ पर आप अपने परिवार के किसी कार्य के चलते अपना समय खराब करेंगे। इन दोनों महीने में इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी जब आप अपना समय व्यर्थ का समय खराब करेंगे, यानी कि मित्रों के साथ में या फिर परिवार के किसी कार्य के चलते आप अपना समय खराब करते रहेंगे, मस्ती के मूड में रहेंगे, ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर नहीं देंगे। तो यहां पर हम सामान्य परिणाम की उम्मीद करें शिक्षा के मामले में मई और जून के महीने में। यल नाम वाले लोगों के वैवाहिक संबंध देखें तो वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातें बड़ी होते देर नहीं लगेंगी। वहां पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। हालांकि पूरा समय रोमांटिक रहेगा, रोमांटिक समय आप गुजारेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत जल्दी जल्दी कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद पहले से चल रहा है तो मई का महीना बहुत बेहतर है। आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त होंगे और मई का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपकी कोई ना कोई यात्रा भी मई और जून के महीने में बनती है, और अगर कोई वाद विवाद हैं और अगर आपकी यात्रा होती है तो वो वाद विवाद वहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी को अगर मनाना चाहते हैं तो भी मई का महीना अच्छा है, तो मई का महीना ज़्यादा बेहतर है, जून के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा, फिर भी अप एंड डाउन आपको वैवाहिक संबंधों में देखने को मिलेंगे मई और जून के महीने में।
प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतर है, खासकर 15 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों के मामले में। और अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, 15 जून से 30 जून तक का समय सबसे बेहतर है। और बाकी 15 जून से पहले का जो समय है वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ वाणी पर संयम रखना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपकी 15 जून तक वो सॉल्व नहीं होती है तो 15 से 30 जून के बीच में प्रयास करें, आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, आपका साथी मान सकता है। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय ये वाला रहने वाला है, 15 जून से 30 जून तक का ज़्यादा समय बेहतर है, बाकी सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलने वाले लोगों को मई और जून के महीने में देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोज़ाना करें, बहुत अच्छा है। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अवश्य करें, मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। बस आप इतना काम कर लें, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।